अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से GB WhatsApp डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि जो GB WhatsApp है वो आपको प्ले स्टोर में कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर GB WhatsApp सर्च करते हैं, यहाँ पर आपके सामने GB WhatsApp शो नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो GB WhatsApp के लिए मैं आपको बता दूँ, ये एक अनऑफिशियल ऐप है, क्योंकि ये WhatsApp की कॉपी है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाना होगा। तो उस वेबसाइट का नाम है GB Apps। तो यहाँ पर जैसे आप GB Apps लिखते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो GBApps.net जो सबसे ऊपर आपको पहली वेबसाइट नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको ऑफिशियल लेटेस्ट वर्जन GB WhatsApp का मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड GB WhatsApp पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इसकी जो बता रहे हैं कि टोटल कितने डाउनलोड रह रहे हैं, और ये लेटेस्ट वर्जन है, और इसकी साइज़ कितनी है। और उसके बाद तो इसको आप स्किप कर दें, अगर आप रीड करना चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना होगा, डाउनलोड GB WhatsApp। तो जी, तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो फ़िलहाल अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक काम ना करे तो हम दूसरी लिंक से GB WhatsApp को डाउनलोड कर सकें। तो जो इसका पहला सर्वर है वो फ़िलहाल बंद है, तो इसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये देखें डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आ चुका है। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोडिंग के लिए लग जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो रही है, तो इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। जी, तो दोस्तों ये हमारी जो एप्लीकेशन है GB WhatsApp वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम इसको करते हैं इंस्टॉल। तो इंस्टॉल के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद इसको क्रोम की परमिशन देनी है। तो अलो के बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा GB WhatsApp जो अभी इंस्टॉल हो रहा है।